वेरी गुड मॉर्निंग एक बार फिर से, और हम आए हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए। बारिश गिर रही है यहाँ पे बहुत तेज, देखो बहुत तेज पानी गिर रहा है। तो भाई साहब बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया, एक 3 पेज का फॉर्म फिलअप करवाया जिसमें सारी मेडिकल कंडीशंस वगैरह पूछी गई थी। कोविड तो नहीं हुआ आपको, कोई सर्जरी तो नहीं, तो मुझे 3 साल पहले हुई थी तो कहा कोई दिक्कत नहीं है उसको नो कर दो, और जो कोई भी मेडिकल अगर प्रॉब्लम है तो वो बताना पड़ेगी, तो शायद आपको कुछ भी चल रहा है तो वो बताना पड़ेगा। और फाइनली हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, पेमेंट कर दिए 3500 रुपये जो है लगे हैं, 10500 तीनों के। तो ये पहनना है अपने को, ये है सूट। अच्छा अंदर गीला नहीं होता क्या? अंदर गीला हो जाता है। अपन करेंगे कहाँ पे इसको उड़ा भी? आगे ये समंदर लगा है, पीछे समंदर है। हमको फ्रेश भी तो होना था यार। तो फाइनली भैया हमने सूट पहन लिए हैं और ये बहुत मोटे मोटे हैं, ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे पानी के अंदर, ऐसा बता रहे हैं। तो बताया उन्होंने? हाँ ये बताया, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये पहनाया जाता है। और अब हम जा रहे हैं समंदर किनारे, ठीक है, स्कूबा डाइविंग, जिसमें कितना बताया उन्होंने 45 मिनट है, 45 मिनट का है जिसमें 15 मिनट ट्रेनिंग रहेगी, है ना, और जो है हाँ 30 मिनट की डाइविंग रहेगी, और साथ में ड्राइवर्स रहेंगे। हाँ साथ में हमारे ट्रेनर रहेंगे और एक कैमरामैन रहेगा साथ में। अभी अपन चलते हैं किनारे पे, आ गए हैं। ये देखिए ये है समंदर का किनारा, और चश्मे उतार दवा दिए इन्होंने भैया हमारे, मेरे को ऐसा लग रहा था कीचड़ हो लेकिन वहाँ से देखने पे। और ये जो सूट है ये पहले से गीला था, और ये भी अंदर जाके गीला हो जाएगा लेकिन फिर भी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, ये कमाल की बात है। इनसे कहा कि भाई साहब आप हमारा कैमरा यूज़ कीजिए। और ये समंदर के पेड़ हैं, खारे पानी में उग रहे हैं, नीचे मिट्टी नहीं है, रेत में है। ये पेड़ देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिनको पहन के जाना है, ये देखो मुंह से साथ लेना है, मुंह से ही छोड़ना है। हमारे कैमरामैन का नाम है संसोस, ही इज़ नॉट हियर। सब लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ भाई कहाँ। ये जूते दिए हमको, ट्रेनिंग पे ले जा रहे हैं पहनने के लिए। कैमरामैन भेज दे सर। हाँ भेजो यार, पहले कंफर्म करना है कि भाई चलाएगा कि नहीं चलाएगा। तो फाइनली पानी के अंदर, पानी के अंदर मज़ेदारी, और सफ़ेद सफ़ेद रेत है अंदर। हमारा एक भाई रह गया है, हमारा एक भाई रह गया है, वो बोल रहे हैं कि मुझे अलग से क्यों ले जा रहे हो, साथ में लेके जाओ ना। और नीचे पत्थर है यार, समंदर के अंदर ही पत्थर है। ये देखो ट्रेनिंग चल रही है भाई साहब, पत्थर आ गया। और ये पानी तो बहुत तेज हिल रहा है, ये बढ़िया ना यार। ये कार्ड का क्या करूँ, रखें कहाँ से, पॉकेट तो है नहीं। क्या आपको कोविड हुआ था? नहीं। क्या आपको मेडिकेशन में? नहीं कोई दवाई नहीं, मेडिसिन ले रहे हैं कंप्लीट, बट आई एम डॉक्टर। तभी मेरा पूछ नहीं डॉक्टर, हाँ मुझे पूछना आप किसी और डॉक्टर रहें, डॉक्टर में किसी और डॉक्टर, मेरा सर्टिफिकेशन मेरे लिए बहुत प्रोफेशन जरूरी है। क्या इससे पहले कभी आपका कोई रिसेंटली सर्जरी वगैरह हुआ है? नहीं सर्जरी आज तक नहीं। आज तक आपने कितनों का किया है? नहीं हम सर्जन नहीं है, फिजिशियन है। फिजिशियन लिख के आ चुका है। ओके नोज ब्लॉक हो जाएंगे, ब्रीदिंग माउथ से करना होगा। कंफर्टेबल बहुत व्यवस्था से ले जाते हैं, ये पूरा भाई हमारा बना रहे हैं। ये नाक बंद हो गई है, नाक पूरी टोटली बंद है, केवल मुंह से सांस लेना है, मुंह से सांस लेना है। कभी जुकाम हुआ है आपको? जुकाम अक्सर होता है, अभी नहीं है, अभी नहीं, जुकाम तो नॉर्मल बात है। तुम्हारी आवाज़ बदल गई है नाक बंद होने से? नाक मेरी टोटल बंद है, मेरा जो मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ वो माउथ से कर रहा हूँ। हाँ और ऐसा लग रहा है लेड है,
क्या है? लेड है। हाँ, शीशा। शीशा ये आपको डूबने में हेल्प करेगा, क्योंकि सॉल्ट वाटर डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से आप डूब नहीं पाओगे। तो लाइफ जैकेट भी रहेगी? कार्ड भाई ठीक है सर, ब्रीथ नॉर्मल नॉर्मल। अब मेरी बारी है इसलिए बोल रहे हैं कैमरा रख दो, सो नॉट एन इशू। विक्की रेडी हो चुका है हमारा, तैर के तो कहीं जाएगा नहीं। चल रहा है, चल रहा है। हाँ मुझे प्रिंस लेना है। ओके इसको मैं पकड़ूँ। ओके इसको पकड़ लिया। भजन पहना रहे हैं, भजन भाई साहब थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, ये पहन लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, बने रहो वीडियो में। Thank you.
भाई साहब हम स्कूबा डाइविंग करके आ चुके हैं और पानी के अंदर इस कदर मतलब इतनी खूबसूरती है, इतना शानदार नज़ारे, जो समुद्री जीव है ना वो इतने शानदार हैं। और ये हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं जो पानी के अंदर लेके गए थे, और क्या बोलते हैं डाइवर बोलते हैं, मतलब पानी के अंदर जंप लगाने वाले। और शुरू में मैं बहुत नर्वस था, मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था, कैसे सांस लेनी है कैसे क्या करनी है, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैंने गलत डिसीजन ले लिया स्कूबा डाइविंग का। लेकिन भाई साहब जब मैं अंदर पहुंचा ना पानी के, मज़ा ही आ गया यार। मतलब इतना शानदार जीवन है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मछलियाँ, शैवाल और क्या क्या नहीं है उसके अंदर यार। मतलब जब तक आप खुद आंखों से देख नहीं लेते ना, तब तक आप उसको कल्पना भी नहीं कर सकते कि ज़मीन के अलावा आपको पानी के अंदर भी ऐसे जीव देखने को मिलेंगे। ज़मीन पे तो कतई नहीं मिलेंगे, सब पानी के अंदर ही है। बहुत ही शानदार नज़ारे। और फिर से हम वापस आ गए हैं तट से। भैया ने हमको बहुत बढ़िया किया, और हमारे दो भाई लोग और हैं साथ में, पता नहीं कहाँ लापता है, आने वाले होंगे। चलो जाए जूते निकाले जा रहे हैं, उनको छोटे छोटे पहनाए थे भैया ने, बड़े बड़े पहने थे। लेकिन मुझे स्विमिंग आती थी इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा था। बट अंडर वाटर स्विमिंग तो फुल डिफरेंट थिंग, तो अंडर वाटर बहुत डिफरेंट है पानी के ऊपर तैरना, और तो तैरने में बहुत अलग होता है। अभी भी वेट है मेरी कमर पे, वो लेड बंधा हुआ है उसमें भी बहुत ज़्यादा वेट है। ड्राइविंग के बाद बाहर जा रहे हैं, और इतने शानदार नज़ारे थे यार, जब तक आप स्वयं ना देख पाओ मतलब आप कह ही नहीं सकते क्या है अंडर वाटर लाइफ जो है। और हमारे GoPro ने कितना काम किया वो अब लैपटॉप पे जाके पता चलेगा। एक बंदा अभी हमारा आया नहीं और है ना, एक ही आया है हमारे विक्की भाई जो है चाय पी रहे हैं यहीं पे बैठ के, और कमलेश अभी तक आया नहीं है। कमलेश का वेट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे पेमेंट कैसे करते होंगे, सब कुछ तो उधर है आपको देना पड़ेगा। मेरे देने तो फिर हम लाके भी देंगे। अच्छा ऐसा होता है, वही तो अभी इन कपड़ों में पैसे तो है नहीं, कैसे करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, एक बार और करें, एक बार और कल वाल कर लेंगे यार। एक बार वैसे ही चलते हैं, ट्राई करिए सर। हां बोट के लिए जाइए। अच्छा लेकिन यार जो अंदर लाइफ है ना वो तो एक बार और देखना ही चाहिए। बोट के लिए ले लीजिए, इससे ज्यादा बोट पे ओपन जाइए। बोट पे ओपन में क्या, उसमें भी नीचे ले जाएंगे, इसी में जाना है। अच्छा चलो हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं कपड़े वपड़े बदलने के बाद, और एक बार और ट्राई करेंगे ये, और ओपन सी देखने चलेंगे बोट से। आज ही चलते हैं क्यों। हमारा तीसरा भाई आ चुका है, मिस्टर कमलेश कैसी लगी। अगर अंडमान आए हो और अगर स्कूबा डाइविंग नहीं की है तो आपने कुछ भी नहीं किया है। पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल और उनके इंस्ट्रक्शन इतने अच्छे दिए थे उन लोगों ने। मैंने सारे इंस्ट्रक्शन यूज भी किए। मुझे बहुत डर लग रहा था शुरू में। तो भाई साहब डाइविंग पूरी हो गई और अब वापस जा रहे हैं, और कल के लिए हम शेड्यूल करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि बोट से जाएंगे सी के अंदर, 5-6 किलोमीटर अंदर लेके जाएंगे, और फिर वहाँ से सेम यही चीज़ जो डाइव करा हमने वहीं डाइव करना है, लेकिन समंदर के अंदर 5-6 किलोमीटर डीप, मतलब अंदर जाके वहाँ पे यही चीज़ करेंगे। उसका जो कॉस्ट है वो है 5,500, यहाँ लगे हमारे 3,500, और उसके लिए प्री बुकिंग करना पड़ेगी अगर कल करना है तो, और कल हमको होटल से चेकआउट भी करना है ना, तो ऐसी कुछ कहानी है। मज़ा आ गया यार, अंडर वाटर लाइफ क्या शानदार लाइफ है। सेम सिचुएशन मेरे साथ थी कि बहुत तेज तेज ले रहा था मैं सांस, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, फिर बाद में उसको स्लोली उसने बोला कि आप धीरे धीरे लो, पहले से करते मतलब धीरे धीरे सांस छोड़ो ना,
तो जब आप सही कर पाओगे। क्या था? एडवेंचर। एडवेंचर सबसे बढ़िया एडवेंचर रहा। नहीं अगर फटे तो और ज्यादा एडवेंचर होता, जैसे अपन ही वहाँ फट रही थी। डर लगता है ना तो ज्यादा मजा आता है। टाइगर देखे थे ना? तो वहाँ दूसरी भी नहीं, वहाँ तो शुरू में मैंने बात कही करूँ ना करूँ, मैंने पास कही भैया तू तो इतना नीचे ले जाइए वाले। शुरू में जब ट्रेनिंग कर रहे थे मिल के यार बहुत बड़ी गलती हो गई यार ये पंगा लेके। तो अरे वो तो डुबो दे तो अपन मोर सांस ले बुड़बुड़ कर दे, वो कहला भैया मोर से इतनी तेज मत ले, धीरे सो रहे हो समझ रहे हो, ये स्थिति चल रही थी। हमारे कान में कोई दिक्कत नहीं आएगी या फिर ज्यादा नीचे नहीं लेगा? नहीं कान में ऐसा ऐसा लग रहा था मशीन चल रही है एयरप्लेन जैसी। हाँ हमारे इतनी ज्यादा नहीं है, मामूली जैसे पूछ रहा था कि ट्रेन में वो प्लेन में दिक्कत आती है, आती थी अपने भैया को फंस गाओ, हम भी निकालते हैं, चलो कैमरा बंद करते हैं फिर निकालते हैं।